हेलो यू पीपल, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि आज है रिव्यू डे। रिव्यू करूंगी मैं एक प्रोडक्ट की, दैट इज लॉरियल क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। ये एक बहुत ज़्यादा यू नो फेमस प्रोडक्ट है, और मैंने आपको बोला था एक वीडियो में कि मैं इसको यूज़ करूंगी ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए, उसके बाद जाकर मैं आपको रिव्यू शेयर करूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू। तो लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग फर्स्ट। आप देख सकते हो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है, एंड दिस इज अ ग्लास बॉटल। सो ये चीज़ जो है आपको थोड़ी सी ध्यान में रखकर यूज़ करना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उनके लिए बता रही हूँ स्पेशली, गिर जाएगी तो ये टूट जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी इसको ध्यान में रखकर यूज़ करना होता है। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी प्रोडक्ट कहाँ तक आई है, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में आती है। सो दिस इज अ गुड पॉइंट। आप देखो बॉटल को आप ऐसे ट्विस्ट करोगे तो इट्स ओपन। सो ये एक चीज़ अच्छी है अगेन कि ये सिक्योरली यू नो क्लोज हो जाती है। तो ये ऐसे वैसे कहीं पर भी ऐसा वाला जब हम क्लोजर पाते हैं कहीं पर भी प्रोडक्ट में, तो वो खुलने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं होता है। देखो पीछे आपको मिल जाती है डायरेक्शंस फॉर यूजेज, कैसे आपको यूज करना है मैं आपको बता रही हूँ। फेस को आप अच्छे से क्लीन कर लो फेस वॉश के साथ, उसके बाद आप स्किन को पैड ड्राई कर लो, देन आप क्या यूज करते हो, आप टोनर यूज करते हो या तो फेशियल मिस्ट, तो उसको आप स्किप कर दो। सीरम वगैरह आप जो भी लगा दो वो आप स्किप कर दो, और इसको आप 3 से 4 ड्रॉप हाथ में लेकर जस्ट पैड ड्राई, दैट्स इट। मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी आपको कैसे यूज करना है फेस पर। बात करेंगे हम क्वांटिटी, आपको मिल जाती है 130 ml ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें भी वेरियंस है, आपको छोटी वाली साइज मिल जाती है, मीडियम मिल जाती है, एंड ये सबसे बड़ी वाली है, ठीक है। तो आप जो भी खरीदोगे आपके लिए फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत कम लगती है, 3 to 4 ड्रॉप, दैट्स इट। गाइस दिस इज द आउटर बॉक्स, ये मैंने यू नो रिव्यू के लिए ही रखा हुआ था संभाल कर। एंड लेट मी टेल यू कि इसमें ही आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो पीछे आपको मिल जाती है, ओरिजिनल पैकेजिंग में आपको नहीं मिलेगी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर है सैलिसिलिक एसिड जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करती है, विच इज अ रियली गुड थिंग। लेकिन इसमें कुछ केमिकल्स भी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप नहीं कह सकते, हर्बल या तो आयुर्वेदिक तो है नहीं, आपको पता है लॉरियल इज नॉट अ हर्बल और यू नो ऑर्गेनिक ब्रांड। आप ये प्रोडक्ट यूज क्यों करोगे, टू ब्राइटन अप योर फेस, डल हो गई है चेहरा, झाइया आ गई है, ब्लेमिशेस वगैरह की प्रॉब्लम है, टैनिंग हो गई है, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। अदरवाइज ऑल स्किन टाइप्स के लिए जो मैंने देखा है ये वाली प्रोडक्ट सही है। सेंसिटिव स्किन है मेरी खुद की, लेकिन मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है 1 मंथ, इसलिए मैंने टाइम लिया चेक करने के लिए। आफ्टर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा प्लम्प्ड हाइड्रेटेड फीलिंग आपको मिल जाती है, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट, यू नो आप बहुत ज्यादा रेजुविनेटेड फील करोगे, विच इज रियली गुड थिंग। लोगों की स्किन में एजिंग की प्रॉब्लम्स है, थोड़ी सी रिंकल्स, थोड़ी सी फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया है, तो उनके लिए भी ये वाली प्रोडक्ट अच्छी है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत यू नो एजिंग में भी काम करती है, लाइक एजिंग स्किन के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल है। रेंज की बात करेंगे, प्राइस रेंज आपको साइज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। फिलहाल मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इसमें ना कुछ भी प्राइस रेंज मेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने परचेस किया था, ये सबसे बड़ा वाला है, तो मैंने परचेस किया था ऑलमोस्ट 1100 समथिंग, ठीक है। कभी कभी डिस्काउंट भी आते हैं 10%, उससे ज्यादा मैंने कभी देखा नहीं है। द मेन थिंग इज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने यू नो काम पर बिल्कुल ऑनेस्ट रहती हूँ, आपको पता है मैंने आज तक इतने सारे जो सब्सक्राइबर्स है किसी को भी मैंने झूठ मूठ का कुछ भी बात नहीं बोला, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिस इज मेड इन चाइना वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर लिखी गई है। ये मुझे भी नहीं पता था कि ये मुझे मेड इन चाइना वाली प्रोडक्ट रिसीव होगी, क्योंकि लॉरियल चाइनीज ब्रांड तो नहीं है, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। सो इफ यू आर ओके विथ इट देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आपकी मर्जी। क्लियर आउट, सिर्फ प्रोडक्ट को फोकस अगर करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि लॉरियल इज अ वेरी गुड ब्रांड, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत से लोगों को भी लॉरियल पसंद है, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं आपको रिकमेंड करती हूँ या नहीं ये वाली प्रोडक्ट, डेफिनेटली आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो फॉर दिस वन, क्योंकि बहुत सही वाली लगी मुझे, एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स पीपल, फॉर ऑल एजेस, ठीक है। सो या आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स अ लॉट। सो गाइज मैंने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है विथ माई फेवरेट फेस वॉश, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ये वाली प्रोडक्ट, आपके सामने मैं यूज करके दिखाऊंगी। ओके दैट्स इट,
फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, कमाल की खुशबू है। इसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर या तो सनस्क्रीन लगा सकते हो, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो अगर आप घर पे हो तो। ठीक है, बाहर जा रहे हो तो आपको तो सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा ही। एनीवेज